एबीपीएस एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित खोदापुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 2 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर है। लगभग 2500 की आबादी व 1935 वोटरों द्वारा आशा देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वर्तमान समय में गाँव में 700 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 75 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 35 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 10 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है, तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 188 जगघरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, पंचायत घर, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारी ग्राम पंचायत में इतना अधिक पैसा भी नहीं आ रहा है, जो हम 20 साल से उबड़ खाबड़ रास्ते कच्चे पड़े हैं या खरंजे बने पड़े हैं उन्हें उठवा कर ठीक करा दें। और हम विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए भी इधर उधर भागने गांव वालों को परेशान रहना पड़ता है। हमें सबसे ज़्यादा रास्तों की ज़्यादा समस्या है और पानी निकासी की समस्या है। रास्ते हमारे उबड़ खाबड़ हैं, इतना अधिक पैसा नहीं आता जो उन्हें रास्तों को ठीक करा दें। गांव की समस्या सोल्व नहीं कर सकते हम, ना ही हमारा आवास बाकी प्रधान है, कार्य हमारे प्रधान जैसे हो नहीं पा रहे हैं। हमें इतना अधिकार नहीं मिला हुआ कि जो हम अपने उससे कुछ करा सकें।